आप लोग के लिए और आसानी पैदा करने के लिए इस रूब्रिक में और इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन सेट की हैं जो हम वीकली रिपोर्ट्स में ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक तो हमने ये जूम की अटेंडेंस का कॉलन ऐड कर दिया है, तो आप जब भी जूम पे सेशन लें तो यही स्क्रीन ओपन करके आप इसी में पी और ए मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट के नेम्स कॉल करके या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, और ये ऑटोमेटिकली फिर उसको स्कोर कर देगा और दे देगा। और इसी के बाद फिल करने के बाद जाहिर है आप उस फॉर्म से जो इंचार्जेस के पास जाता है डेटा, आप सेशन के बाद यहीं से देख के उस फॉर्म को फिल कर लेंगे आसानी से। इसमें आपको आसानी होगी कि आप एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते होंगे। ठीक है, तो पहले इसमें कर लें और फिर आप फॉर्म के थ्रू सबमिट कर दें, एक चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर डायग्नोस्टिक अटेम्प्ट्स निकालने होते थे। अगर आपको यहाँ पे वन बाय वन आपको देखना होता था कि बच्चे ने कितनी बार डायग्नोस्टिक किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस स्टूडेंट को देखूँ तो मुझे देखना पड़ेगा नीचे जाके कि इसने डायग्नोस्टिक नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल, या कितनी बार इसने डायग्नोस्टिक किया है। आई हैव टू काउंट इट फ्रॉम हियर। तो मैंने ये जो आपका कॉलन है, ये भी आपका जो पंक्चुअलिटी का मॉडल था उस मॉडल में ये कॉलन ऐड कर दिया है। आपको ये मॉडल उसी तरह यूज़ करना है जैसे आप पहले कर रहे थे, बस आपको ये आप अटेंडेंस के साथ साथ ये भी बताएगा कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कितने हैं उस बच्चे के। फॉर एग्जांपल, फरहीन है, इन्होंने 2 बार किया है, नजफ़ है, इन्होंने 3 टाइम्स किया, तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये भी बताएगा। तो आप ये डेटा कॉपी करके पंक्चुअलिटी में पेस्ट कर दें, और ये वाला डेटा कॉपी करके आप जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स का कॉलम है कि डायग्नोस्टिक बच्चे ने कितनी बार किया है, आप उसके कॉलम में इसको पेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। ये भी हमने कर दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्किल्स तो आप ऑटोमेटिकली निकालते हैं मॉडल से। एक चीज़ हमने ऐड की है, क्योंकि हम उसके डायग्नोस्टिक को जो रेट करते हैं एज़ 1 और 2, तो उसके 2 क्राइटेरियाज़ होते हैं। एक तो नंबर ऑफ़ स्किल्स कितनी है एक्शन प्लान में, और वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उसके डायग्नोस्टिक का रेंज आ रहा है या स्पेसिफिक कोई पॉइंट बना हुआ है। व्हाट डज इट मीन, जैसे कि अगर मैं ये डायग्नोस्टिक लिखूँ, एक्शन प्लान्स देखूँ बच्चों के, तो जैसे कि इस बच्चे का बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल डायग्नोस्ड हो चुका है, ये जैसे कि इस बच्चे का डायग्नोस नहीं हुआ, ये रेंज है। तो अगर रेंज हो तो फिर हम इसको कहते हैं कि आप डायग्नोस्टिक कम गलत किया हुआ है आपने, आपको करना चाहिए, तो हम 1 रेट करते हैं। तो ये 2 क्राइटेरियाज़ थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्किल्स, इसके लिए आपके पास जो नंबर ऑफ़ स्किल्स का मॉडल था उसको भी मैंने एडिट किया है, और आप इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे आप पहले कर रहे थे, लेकिन अब यह आपको ये भी बताएगा कि आपके एक्शन प्लान, उस बच्चे के एक्शन प्लान में कितनी स्किल्स हैं, ये भी बताएगा कि उसके जो डायग्नोस्टिक ये रेंज है या पिन पॉइंटेड लेवल है। पी का मतलब पिन पॉइंटेड और आर का मतलब रेंज, और इन दोनों क्राइटेरियाज़ को इवेल्युएट करके ऑटोमेटिकली ये इसका स्कोर भी कर देगा एज़ 1 और 2, ठीक है। तो आप ये तीनों कॉलम्स को कॉपी करके जैसे आप पेस्ट करते हैं, तो इन तीनों कॉलम्स को भी आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, तो ये 3 कॉलम भी अब आपके ऑटोमेटेड हो चुके हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि तमाम का तमाम रूब्रिक ही ऑटोमेट हो चुका है, सिर्फ ये 2 कॉलम्स बचे हैं जिसमें आपको देखना होता है कि एक्शन प्लान में बच्चे ने फॉलो किया है या नहीं, और वो प्री रिक्विजिट स्किल्स कर रहा है या नहीं। तो जाहिर है दीज आर एक्टिविटी बेस्ड, सो इनको हम ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो ये दोनों मॉडल्स मैंने आपके जो वहीं हैं जहाँ से आपको मॉडल्स मिलते हैं, ये मैंने मॉडल्स यहाँ पे रिप्लेस कर दी हैं। जो पंक्चुअलिटी का मॉडल था, ये पंक्चुअलिटी एंड डायग्नोस्टिक, इसको डायग्नोस्टिक अटेम्प्ट के नाम से आ गया है, और जो आपके पास नंबर ऑफ़ स्किल्स का था वो डायग्नोस्टिक अरीना स्कोर के नाम से आ गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ स्किल्स नहीं बता रहा बल्कि कम्प्लीट स्कोर निकाल के दे रहा है। तो आई होप कि अब आपको ये मॉडल्स काफ़ी और हेल्प करेंगे, और हम बेहतर रिपोर्ट दे पाएंगे, क्योंकि अब हम रिपोर्ट में लिखेंगे कि आपने कितनी बार डायग्नोस्टिक किया है, आपकी कितनी स्किल्स एक्शन प्लान में आ रही हैं, आपकी पिन पॉइंट लेवल है, या आपका रेंज जो डायग्नोस्टिक हो चुका है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। हम एक एक डिटेल उनकी लिखेंगे ताकि उनको आसानी हो। सो इनको देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।